हमारे साथ अब हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, मयूरेश जोशी, प्रकाश गाबा, सच्चिदानंद उतेकर, स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ने से पहले प्रकाश, यस बैंक का रिजल्ट भी देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे, मयूरेश को जोड़ लेते हैं चर्चा में। मयूरेश, जैसे कि प्रकाश कह रहे थे कि यहां पे कमजोरी है, ये स्टॉक संभल नहीं रहा, हालांकि अब जो आंकड़े आ रहे हैं ग्रॉस एनपीए में थोड़ी सी बढ़ोतरी है, 2800 करोड़ 2600 करोड़ के मुकाबले, तो 200 करोड़ से ठीक है ग्रॉस एनपीए बढ़ गया। क्या करेंगे यस बैंक में इस खबर को देखकर? आफ्टरनून प्रदीप जी, आई थिंक जो ग्रॉस स्लिपेजेस का, जो फ्रेश स्लिपेजेस का आंकड़ा है, शायद उसमें एक पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। दूसरा, आई थिंक जो प्रोविजनिंग बढ़ा रहे हैं, आई थिंक मैनेजमेंट ने काफी लास्ट टू क्वार्टर से साथ किया था कि प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स इनकी बढ़ेगी और पीसीआर रेशियो ऊपर लेके जाएंगे, विच इज अ गुड हेल्दी साइन फ्रॉम अ बैंक्स पर्सपेक्टिव। एब्सोल्यूट जीएनपीए नंबर जो बढ़े हैं, आई थिंक कंसिडरिंग द बैलेंस शीट साइज, आई एग्री विथ यू टोटली, आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, बट ये फ्रेश स्लिपेजेस का आंकड़ा शायद स्ट्रीट को खटक रहा है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो लोन ग्रोथ दी है, आई थिंक 53% आई थिंक स्टूपेंडस लोन ग्रोथ, और जो अर्निंग्स मोमेंटम ये कंपनी आई थिंक दर्शा सकती है आगे जाते वक्त भी, हमारा लक्ष्य पॉजिटिव रहेगा इस स्टॉक के ऊपर। एंड एनी शार्प डिक्लाइन आई थिंक इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, हालांकि क्लैरिटी फ्रॉम मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस एलिवेटेड स्लिपेज नंबर देखना जरूरी है। किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके, हालांकि मैनेजमेंट की क्लैरिटी यानी कि कमेंट्री जो फ्रेश स्लिपेजेस आए उस पर थोड़ी सी नजर रखे, इस समय तो दबाव आता हुआ। अच्छा मयूरेश, आप हमने येस बैंक की बात की, लेकिन आज तो हाईलाइट में तमाम सरकारी बैंक, तो इंडियन बैंक 6% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 6% मजबूती, सिंडिकेट, कैनरा, लिस्ट लंबी है, सारे सरकारी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग क्या इस समय सरकारी बैंक्स में खरीदारी कर रहे हैं क्या? आफ्टरनून आशीष जी, आई थिंक काफी सिलेक्टिव रहेंगे, क्योंकि आई थिंक जो कैनरा बैंक के नंबर्स आए थे एक एनकरेजिंग साइन बिल्कुल देती है, पर अगर ये दो क्वार्टर तक सस्टेन ना कर पाए और कहीं गड़बड़ी निकली वापस इन टर्म्स ऑफ रिकग्नाइजिंग स्ट्रेस बुक के ऊपर, तो आई थिंक दिक्कतें हो सकती है। बट लुकिंग एट द नंबर सो फार, मुझे लगता है जो विजय बैंक के नंबर्स आए थे कल, स्पेसिफिकली आई थिंक मिड कैप पीएसयू बैंक्स में काफी एनकरेजिंग नंबर्स थे। अगर हम नेट स्ट्रेस एसेट्स की बात करें, अराउंड 7.6% आई थिंक वहां पर इंप्रूवमेंट की बैंक्स बात कर रही है। मैनेजमेंट ये भी दर्शा रही थी कि जो रिटेल एडवांसेज है वहां पे आई थिंक अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकती है, एंड स्लोली एंड स्टेडिली आई थिंक दीज एसेट क्वालिटी प्रेशर्स शुड कम ऑफ। अगर आप टॉप थ्री बैंक्स देखें, स्टेट बैंक, यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट विजय बैंक स्टेइंग देयर इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड लोन ग्रोथ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक सिलेक्टिव रहना बहुत जरूरी है। लार्ज कैप्स में आई थिंक एसबीआई एक कंसेंसस कॉल होगा सबका, बट विद इन द मिड कैप यूनिवर्स मुझे लगता है आई थिंक विजय बैंक एक अच्छा परफॉर्मेंस दर्शा सकता है। अच्छा मयूरेश, कंप्लीट टर्न अराउंड क्या कहेंगे आप? डॉक्टर रेड्डीज तुरंत लेना चाहिए? नहीं, जोरदार नतीजे आए प्रदीप जी, और आई थिंक हमारी भी उम्मीद की आई थिंक से बेटर ही आया मार्जिन फ्रंट के ऊपर आई थिंक, और उनको जो झटका लगा था बीच में सुपॉक्सॉन को लेके, कहीं ना कहीं आई थिंक ये कॉम्पेंसेट कर रहे हैं विद एफटीएफ फाइलिंग्स, तो आई थिंक जोरदार नतीजे टॉप लाइन पे, मार्जिन पे, तो अगर मैनेजमेंट कॉमेंट्री बरकरार रहती है इन टर्म्स ऑफ दिस ग्रोथ गोइंग अहेड, तो यस आई थिंक स्टॉक पे एक पॉजिटिव मोमेंट जो आप दर्शा रहे हैं आई थिंक ये बरकरार रह सकते हैं। बात क्या फार्मा चलने वाला है मयूरेश? तो फार्मा तो काफी समय से चल रहा है आशीष जी, आई थिंक द ट्रेड ईयर इज नाउ व्हाट टू चूज, तो मेरे ख्याल से अभी तो मैं कन्विक्शन आ नहीं रहा था, लगा था बेस फॉर्मेशन हो रहा है, बेस फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ कुछ स्टॉक्स चले फिर ठंडे पड़ गए, तो आप खरीदारी कर लूं डॉक्टर रेड्डी, ट्रिगर बनेगा क्या सबके लिए? नंबर्स देखिए यस, और अगर मैनेजमेंट कमिटी, मैंने जैसे कहा कि आई थिंक आउटलुक अगर बढ़िया देते हैं तो एब्सोल्युटली आई थिंक खरीदने जाना चाहिए। कोई स्टॉक रडार पे आप दोनों में से किसी के? मयूरेश की बात, मयूरेश की बात, मयूरेश आपका कॉल। आशीष जी, मुझे जीएमएम फॉडलर काफी पसंद आ रहा है, जो इनका ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट है 80% यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है, 55% मार्केट शेयर, गैस पर्दे साइड के है जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन लाएगा ये डिवीजन के लिए। इनके जो दूसरे डिवीजन्स थे एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, जो नई फार्मा सिटी आ रही है आंध्र प्रदेश में, ये केटर करेगी आई थिंक ये डिविजन्स को, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशंस है ऑर्डर बुक की ग्रो होने की, आई थिंक ये काफी तगड़ी है। हैवी इंजीनियरिंग ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया था, बट हैवी इंजीनियरिंग के ऑर्डर्स शायद फ्लो होना चालू हो जाए ये तिमाही, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है आई थिंक एक 20% के ऊपर की आई थिंक ग्रोथ बिल्कुल ये कंपनी पोस्ट कर सकती है। 116-120 करोड़ की कैश इक्विवेलेंस है, कैश रिच बैलेंस शीट, और जो रिटर्न रेशियोज हैं ये काफी तगड़े रह सकते हैं, तो रिकवरी प्रॉब्लम इन द ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट, ऑर्डर बुक प्रॉब्लम रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग, नॉन ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट बिजनेस एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 50%, जो आरओईज और आरओसीज दोनों को सपोर्ट करेगा, तो आई थिंक जीएमएम फॉर्मुला हमें काफी पसंद आ रहा है, विद द टारगेट ऑफ 1050 अगले 12 महीने। ओके, स्लाइटली